हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पतले लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला नियम समझेंगे, और जो पहला नियम है वो हम उत्तल लेंस के लिए भी समझेंगे और अवतल लेंस के लिए भी। क्लियर। और जो हम ये नियम पढ़ेंगे वो पतले लेंस के लिए पढ़ेंगे, पतले उत्तल लेंस के लिए और पतले अवतल लेंस के लिए। क्लियर। हमने कोई प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ पर आपतित कराई, तो ये आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के बाहर निकल जाती है। क्लियर। इसी प्रकार जब इस अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं, तो प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के बाहर निकल जाती है। तो हम इस नियम को क्या लिख सकते हैं, पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। अब हम पतले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का दूसरा नियम देखेंगे। क्लियर। हमने इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित कराई, तो ये प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात अर्थात उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। क्लियर। अब हम देखेंगे अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर हमने कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित कराई। चूंकि ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो ये अवतल लेंस इस प्रकाश किरण को भी क्या करेगा, फैला देगा। क्लियर। तो ये आपकी आपतित प्रकाश किरण है और ये आपकी अपवर्तित प्रकाश किरण है, जो लेंस द्वारा अपवर्तित हुई है। अगर हम इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है वो कहां से आ रही है, द्वितीय फोकस से। क्लियर। अगर हम उत्तल लेंस के लिए नियम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। क्लियर। अवतल लेंस के लिए नियम लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम देखेंगे पतले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का तीसरा नियम। क्लियर। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए देखेंगे, कोई प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से। क्लियर। प्रथम फोकस से गुजरने के बाद यह उत्तल लेंस पर आपतित होती है। उत्तल लेंस पर आपतित होगी, उसके बाद यह लेंस के द्वारा अपवर्तित होगी, और जैसे ही ये आपतित प्रकाश किरण इस लेंस के द्वारा अपवर्तित होगी वैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर। इसी प्रकार हम इस अवतल लेंस के लिए देखेंगे, हमने इस अवतल लेंस पर ये कोई प्रकाश किरण आपतित करा दी। क्लियर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, प्रथम फोकस पर। क्लियर। लेकिन इस प्रकाश किरण का इस लेंस के द्वारा अपवर्तन हो जाना है, और जब अपवर्तन होगा तो इस प्रकाश किरण के मार्ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। क्लियर। तो पहले आप देखें कि ये आपतित प्रकाश किरण है वो किधर जा रही है, प्रथम फोकस की ओर। ठीक है। लेकिन ये जो आपतित प्रकाश किरण है इस लेंस से अपवर्तित हो जाएगी तो प्रथम फोकस पर नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा, तो ये जब आप प्रकाश किरण को आपतित करा रहे हैं किधर जाती हुई प्रतीत हो रही है, प्रथम फोकस की ओर, तो ये इस अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
गी। क्लियर। तो हम नियम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो प्रथम फोकस पर नहीं पहुंचेगी, केवल पहुंचती हुई प्रतीत होगी। क्लियर। अब हम देखेंगे पतले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का चौथा नियम। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए देखेंगे, हमने इस उत्तल लेंस पर कोई ये दो प्रकाश किरणें आपतित करा दी, आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं। तो चूंकि दोनों प्रकाश किरणें इस लेंस पर आपतित हो रही हैं तो इस लेंस के द्वारा इनका अपवर्तन होगा, तो पहली प्रकाश किरण को हमने अपवर्तन के पश्चात आगे बढ़ा दिया। क्लियर। इसी प्रकार इस दूसरी वाली प्रकाश किरण का भी अपवर्तन होगा तो इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देखते हैं कि ये दोनों अपवर्तित जो प्रकाश किरणें हैं इस बिंदु पर मिल रही हैं और ये बिंदु कहां स्थित है, द्वितीय फोकस तल पर। क्लियर। इसी प्रकार हम इस अवतल लेंस के लिए देखेंगे, एक प्रकाश किरण हमने प्रकाशिक केंद्र ओ से गुजार दी। क्लियर। चूंकि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है तो बिना विचलन के ही निर्गत हो जाएगी। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण हम इसी प्रकाश किरण के समांतर लेते हैं जो लेंस पर क्या हो रही है, आपतित, और आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तित, और अपवर्तित होगी तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, फैला देगा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जाने पर फैल रही हैं, अभी इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ कम है, आगे जाने पर और ज़्यादा होगा, आगे जाने पर और ज़्यादा होगा। तो अगर हम इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये यहाँ पहुँच जाती है। क्लियर। तो अपवर्तन के पश्चात आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि ये अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, अर्थात द्वितीय फोकस तल में स्थित किसी बिंदु से आ रही हैं। अगर हम उत्तल लेंस के लिए नियम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऐसी प्रकाश किरणें जो परस्पर समांतर हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हों, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस तल में स्थित किसी बिंदु पर मिलती हैं। क्लियर। अवतल लेंस के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसी प्रकाश किरणें जो परस्पर समांतर लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस तल में स्थित किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर। आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, इस पॉइंट से आ रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे नियम। धन्यवाद।